दोस्तों पिछले एक वीडियो में मैंने आप सभी को पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताया हूँ, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन चेक करना है और किस तरीके से डाउनलोड करके प्रिंट करना है। आज की इस वीडियो में आप सभी को कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर आना होगा और टाइप करना होगा UPCOP। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे UPCOP आपको इसे इंस्टॉल करना है। इसे हमने पहले से इंस्टॉल किया है तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर FIR का ऑप्शन दिया गया है, कंप्लेन का ऑप्शन दिया गया है, परमिशन का ऑप्शन दिया गया है, सर्विस का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च स्टेटस एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन करना है, जो भी आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। तो चलिए हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च एंड स्टेटस डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सर्च रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट टाइप सर्विस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपना ईयर चूज कर लेंगे। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लेन स्टेटस स्वीकृत दिखा रहा है, उसके बाद पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन मांग रहा है, तो हम इसे अलाउ करेंगे। उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलर्ट दिखा रहा है, रिपोर्ट इन PDF हैज बीन डाउनलोडेड इन योर डिवाइस, डाउनलोड UPCOP डॉक्यूमेंट। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं PDF का ऑप्शन दे रहा है, जिस भी आप रीडर से आप अपना सर्टिफिकेट ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सर्टिफिकेट कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।